एक कोई जीव जंतु है ना, एक बिल्ली है, कुत्ता है, गौ माता है, तुम्हारे घर में कोई खरगोश है, कोई तोता है, कोई पक्षी है, कोई कुछ भी है, उसको तुम बहुत प्रेम से जब पुकारते हो, बहुत प्रेम से पुकारते हो, तो वो पक्षी, वो पशु, वो गौ माता, वो स्वान, वो बिल्ली तुम्हारे पास में आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो जम के, आती है ना। आपने केवल उसको प्रेम से पुकारा, आपने केवल उसको प्रेम से बुलाया, तो वो तुम्हारे करीब में आ गए। जब एक जीव तुम्हारे प्रेम से बुलाने से तुम्हारे करीब में आ सकता है, तो तुम्हारे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से परमात्मा को पुकारने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारे पास में आ सकता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। आप पुकारो दिल से, वो आएगा। आप दिल से भजो, वो आएगा। एक बहुत पहले एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, लोरी यशोदा जी जैसी हम सुनाते नहीं। जिस दिन हम दिल से, स्नेह से भगवान शिव को पुकारेंगे, जिस दिन हम स्नेह से परमात्मा को आमंत्रित करेंगे, हमारा परमात्मा हमारे करीब में जरूर आएगा। देरी नहीं लगा सकता। शिव महापुराण की कथा क्या सिखाता है? भगवान शंकर की कथा केवल यही सिखाती है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमात्मा को पुकार। आप जिस परिस्थिति में, दुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो, सुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो। ये बोलबम सेवा कल्याण समिति भिलाई सावन महीने में पालकी निकालती है, यात्रा निकालती है। किसके आश्रित होकर निकालती है? कोई समिति अपने आश्रित होकर नहीं निकालती। जिस देव अधिदेव महादेव की पालकी निकल रही है, जिस देव अधिदेव महादेव की पालकी का स्मरण हम कर रहे हैं, वो पालकी भी अगर निकल रही है तो उसके आश्रित होकर ही निकल रही है। ये कथा भले बोलबम सेवा कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी अध्यक्ष हैं प्रदेश इस समिति से, तो वो इस कथा को करा रहे हैं, पर माना जाए ये कथा के लिए निमित्त दया सिंह जी को बनाया, कल्याण समिति को बनाया, पर कराने वाला तो सावन के महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव है। निमित्त इनको बना दिया, पर कराने वाला वो देव अधिदेव महादेव है। और आपसे भी निवेदन है, आप जितनी मात्रा में यहां पर माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी, मेरे जीजा बैठे, मेरी बेटियां बैठे, जो इस कथा में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे, पर आपको कथा तक लेकर आना, कथा में बिठाना और कथा श्रवण करने का बल प्रदान करना, ये किसी के बस की बात नहीं, केवल देव अधिदेव महादेव के बस की बात। इसकी सामर्थ्यता आप और हम सोचे कि हम शंकर जी को अच्छे से जानते हैं, ना 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 ना, ना जाने कितने तपस्वी तप कर चले गए, ना जाने कितने साधक साधना कर चले गए, ना जाने कितने व्रत कर चले गए, कितनी उपासना कर चले गए, पर वो भगवान शिव को नहीं जान पाए। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शिव को नहीं जान सकते, आप और हम इतनी जल्दी भगवान शंकर को नहीं जान सकते। कितने तपस्वी, कितने साधक, कितने उपासक, कितने व्रत करने वाले, कितने साधना करने वाले भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते 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 चले गए, पर शिव को नहीं जाना।
आप में से कई माताएं ऐसी हैं जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन कराकर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा कराकर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा कराकर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए, अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकल कर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए, मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से भाव से भक्ति से एक लोटा जल आड़ा पेड़ा जैसे चढ़ाओ चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो, उल्टा भजो सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा, ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो मेरा महादेव मिलता जरूर है, मिलता जरूर। हमारी आदत होती है हम चार लोगों को जाकर बताते हैं तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया, नहीं शिव के सामने नहीं, शिव के सम्मुख में नहीं। हम अगर देवदत्त महादेव को रिझा रहे हैं तो उसमें हमारे भाव यह होना चाहिए कि जैसे भी भजो शिव मिलेगा, जो भगवान शंकर जरूर प्राप्त हो, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भरूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओम कर तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार। जिस भाव से भजो, जिस मन से भजो, अरे मरा 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 कहकर भी पार उतर गए, बहुत सारे मिलते हैं आपको, कोई कहेगा ऐसा भजो, कोई कहेगा वैसा भजो, कोई कहेगा ऐसे गुणगान करो, कोई कहेगा वैसे गुणगान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा दिल जैसे कर जा, तुम्हारा मन जैसे कर जा। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती है, कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत, हमने भी करा था तो हम भी उठाए, ठीक है आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माता बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे तो उन्होंने एक टाइम फलार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलार करा तो दूसरे समय पर भी फलार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया होगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है, आप ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय एक भोजन करा होगा और सुबह ने नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा एक फल एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब
शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे। तो भगवान देवदत्त महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान करता हूं। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता पति और परमात्मा इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांजे। घर के सारे बर्तन बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर तीन बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए। हमें स्वयं इन तीन के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन ले जाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे, देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है, तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे, ये मेरी बहू है, सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति, पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाती है, भरोसा नहीं, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। पिता पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जब झूठे बर्तन मांजोगी पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है, मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलो कि मुझे ये चाहिए पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवाचौथ अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। एक पिता एक पति और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के जरा, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो, पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी होती है, भगवान को पानी पिलाने का छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, झारी जी होती है या कोई गिलास होता है, भगवान का बर्तन परमात्मा का बर्तन घर की स्त्री को घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसको भंडार भर देता हूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता पति और परमात्मा, इन तीन के बर्तन, इन तीन के झूठे बर्तन, इन तीन के झूठे पात्र का घिसना, झूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ। पिता पति और परमात्मा।
श्रेष्ठ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें और जिस दिन शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी में दर्शन शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन दिल नम्र कर लो और दूसरा है परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तो स्वयं समर्पण कर। कैसे भज रहे हो, किस तरह से भज रहे हो, कैसे स्मरण कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता, भगवान से पूछा जाए कि जिसने व्रत दिन भर का रखा, जिसने कुछ नहीं खाया, जिसने पानी भी नहीं पिया, जिसने दोनों टाइम भोजन किया, जिसने एक समय फलहार किया एक समय भोजन किया, आप किसकी सुनते हो? आप किसकी सुनोगे? तो भगवान शिव कहते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं, शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जो किसी का दिल ना दुखा, जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। कोई बहुत बड़े औहदे पर बैठ गया ना, बहुत बड़े पद पर बैठ जाए, बहुत बड़ा उसको मठाधीश पीठाधीश बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा संत साधु बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा कथाकार बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा साधक बनकर बैठ जाए और उसके मुख से यदि अपशब्द निकल रहा है तो समझ लेना कि उसका बहुत बड़ा बनना बेकार है, उसका बहुत बड़ा बनना श्रेष्ठ करना ही। एक बहुत सुंदर कथा थी, एक त्रेता में एक राजा हुए जिनका नाम था वीरमणि, शिवजी के परम उपासक थे, भगवान शंकर के इतनी उपासना करते थे वीरमणि, इतनी उपासना करते थे कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहते। और देवपुर नाम के नगर में उनका निवास था, देवपुर नाम का एक नगर था त्रेता में और उस नगर में वो निवास करते थे वीरमणि, बहुत विद्वान। वीरमणि स्वयं शंकर के उपासक थे और वीरमणि का जो पुत्र था रुक्मंगत वो भी शिव का उपासक, वीरमणि भी शंकर के उपासक थे और उनका बेटा रुक्मंगद भी भगवान शिव की आराधना करते। कई वर्ष निकल गए तप साधना करते करते, कई साल निकल गए तप साधना करते करते, कई वर्ष उनके तप साधना में निकल गए पर वीरमणि को शिव का दर्शन नहीं हुआ, वीरमणि को शंकर का दीदार नहीं हुआ, शंकर का दर्शन नहीं हुआ। कई वर्ष निकल गए और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। वीरमणि को आज तक शिव का दीदार नहीं हुआ, आराधना करते 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 शंकर का भजन करते करते शिव की उपासना करते करते बहुत समय निकल गया। देवपुर नगर का राजा वीरमणि साधना करते करते कई वर्ष निकल गए पर शंकर का कोई दीदार, शिव दिखे ही नहीं। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, रोज शंकर के मंदिर जाती हैं, रोज जल चढ़ाती हैं,
रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, रोज शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हैं, रोज शिव जी के मंदिर में दीप लगाती हैं, रोज शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनको अभी तक शंकर का दीदार नहीं हुआ, पर इतना विश्वास से कहता हूं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, इतना विश्वास से कहता हूं भले शंकर का दर्शन नहीं हुआ हो, पर इतना विश्वास से कहता हूं कि मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली खाली तो रखी नहीं होगी, भर जरूर है। ये भरोसा है राजा वीरमणि को। देवपुर नगर के राजा वीरमणि को शंकर का दर्शन नहीं हुआ, आखिरी में वीरमणि को लगा कि शिव का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी साधना, वीरमणि का बेटा रुक्मंगद भी शिव की आराधना में लीन रहने लगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। वीरमणि भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहते, रुक्मंगद भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते। एक दिन वीरमणि कहीं से निकल कर जा रहे थे, और रास्ते में वीरमणि जब निकल कर जा रहे थे, नंदी भगवान शिव के गण नंदी रूप बदलकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, और वीरमणि ने देखा कि कोई ऐसा चमकदार व्यक्ति जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उसके सामने फीका है। जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी जिसके सामने फीका है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, और यह अनुभव किया है हमने, हमने भी किया। सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम की दूरी है 11 किलोमीटर। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ जी की दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा। सुल्तानगंज से कावड़ लेकर बैद्यनाथ बाबा के चरणों में जाना पहुंचना, थकान भी हो जाएगी, चल भी लोगे, पहुंच भी जाओ। ओमकारेश्वर का जल लेकर उज्जैन तक लोग पहुंच जाते हैं 150-200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल लोग 90-100 किलोमीटर तक चल लेते। पर मां सीवन का जल लेकर जब कुबेरेश्वर धाम तक केवल 11 किलोमीटर चलना है, केवल 11 किलोमीटर, लोगों को लगता है 11 किलोमीटर, हम तो वहां गए थे, हम वहां पर 150 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 70 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 50 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 21 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 14 किलोमीटर चले थे, हमने वो पहाड़ चढ़ा था, हमने वो वहां गए थे, हमने वो दर्शन किए थे, हम इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो 11 किलोमीटर क्या लगे। पर हमने देखा है सीवन का जल लेकर जब 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम तक जाते हैं, तो 11 किलोमीटर चलने में भी लोगों को यह अनुभव होता है कि हम कम से कम 300 या 500 किलोमीटर केवल 11 किलोमीटर में चलिए, इतना सत बाबा ले लेता, इतना सत लेता। आप लोगों में से किसी ने सीहोर की अगर कावड़ भरी होगी तो उसको मालूम होगा, इतना सत, इतनी शक्ति, इतनी परीक्षा मेरा कुबेरेश्वर बाबा ले लेता। 11 किलोमीटर चलते 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 जब मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है, तब बाबा इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है कि अब तो चला नहीं जाता केवल 11 किलोमीटर। और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल लेते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम जब जाते हैं और जब बाबा की कांवड़ लेकर जाते हैं तो वहां थक जाते हैं, 1 किलोमीटर तो चलना तक नहीं जाता, ऐसी स्थिति हो जाती। हमने भी अनुभव किया। और जब 2 किलोमीटर की यात्रा रह गई हमारे चलते 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 चलते, तब चलना नहीं जा रहा, साथ वाले बोले गाड़ी लगा दें, गाड़ी में बैठ जाओ, हमने कहा नहीं थोड़ा और बचा है चलते चलो। आखिरी में हमने देखा बोलते चलते चलते आखिरी में 2 लड़कों के कंधे पर हाथ रखा, फिर चल दिए चलते 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 चलते, फिर आखिरी में विचार कर अब 1 किलोमीटर बचा है पर चला नहीं जा रहा। इतनी देर में बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया, एक छोटा सा छोरा गोरा गोरा सा आया, उसने हाथ पकड़ा, चीटी उंगली पकड़कर जो खींचता 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 ले गया तो कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा। आखिरी परीक्षा पर भी वो साथ देता ही देता, आखिरी परीक्षा।
अच्छा चलो तुमसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो भिलाई वालों, दोगे उत्तर? अपने बच्चे की ट्यूशन किस टीचर से लगवाते हो? वो टीचर जो तुम्हारे बच्चे के स्कूल में पढ़ाता है। बोलो बोलो सही है। अरे जम के तो बोलो, किसी दूसरे टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजते, क्योंकि स्कूल का टीचर होगा तो एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा देख लेगा। बोलो बोलो सही है। एग्जाम के समय पर थोड़ा सा देख लेगा, स्कूल का टीचर होगा तो थोड़ा सपोर्ट कर देगा। तो ट्यूशन कहां लगाई? स्कूल के टीचर के पास लगाई। क्यों? क्योंकि एक दो महीना, चार महीना, छह महीना, आठ महीना, तीन महीना जब उसके पास पड़ेगा तो एग्जाम के टाइम पर वो टीचर उसको देख लेगा। बस इसलिए हमने ट्यूशन उस बच्चे की उसके पास लगाई, क्योंकि वो दो तीन चार महीना पढ़ेगा, दो चार महीना रोज 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 प्रतिदिन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी निगाह में रहेगा, निगाह में रहेगा तो परीक्षा में वो देख लेगा। उसी तरह हम एक लोटा जल लेकर रोज 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 शंकर के मंदिर जाएंगे तो हमारी विपदा की घड़ी में वो भी देख लेगा। ये निश्चित, हमारी विपदा की घड़ी में वो देख ले। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु को अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक बहुत चमक सा चेहरा था, वीरमणि को लगा इतना सुंदर तो मैंने किसी पुरुष को देखा ही नहीं, इतना सुंदर पुरुष तो मैंने देखा ही, इसकी सुंदरता कितनी है। और ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। इतना सुंदर मैंने नहीं देखा, वीरमणि ने सोचा, इतनी सुंदरता किसी पुरुष में आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी सुंदरता। वीरमणि उनके पास में चले गए, प्रणाम करा, मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा नाम वीरमणि है, मैं देवपुर नगर का राजा। सावन के महीने में वीरमणि राजा की कथा बहुत बहुत फलदायी होती है, बहुत फलदायी। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा एक बेटा है रुक्मंगत, वो भी शिव की आराधना करता, मैं भी शंकर की आराधना करता हूं, हम दोनों शिव आराधना में लगे रहते हैं, पर आज तक हमने शंकर का दर्शन नहीं किया। वीरमणि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? जिसके चेहरे पर बड़ा चमक थी, जिसके चेहरे पर बड़ा तेज था। एक चमक ब्यूटी पार्लर की होती है, वो ऐसी बरसात में धुल के निकल जाती है, और एक चमक ऐसी होती है जिसको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती, जो भगवान के तेज से चमकता है और उसके चेहरे पर वो तेज बना ही रहता है। एक चमक वो है। मैं वीरमणि राजा देवपुर नगर का निवासी हूं, मेरा बेटा भी शिव की आराधना करता है और मैं भी शंकर की आराधना करता हूं, पर मुझे आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही नंदी सुने, नंदी ने मन में सोचा, नंदी ने विचार करा, पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हो? इतने में वीरमणि राजा ने कहा, हम आपको नहीं पहचानते, आप कौन है हम नहीं जानते, आप कौन है हम नहीं पहचानते, हमने आज तक आपको देखा नहीं। और महाराज बात उतनी ही करना चाहिए जितनी समेटी जा सके। लंबा धागा और लंबी जुबान, ये दोनों उलझा देती है। बहुत लंबा धागा होगा ना तो सिलने बैठोगे ना तो वो भी उलझ जाएगा, और बहुत लंबी जुबान होगी ना, बड़बड़ 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 दिन भर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तो व्यक्ति उलझता चले जाता, उलझता चले जाता। धागे को लपेट के रखो और जुबान को होठों से बंद करके रखो, वो थोड़ी कंट्रोल में होना चाहिए। अब वीरमणि ने तुरंत कर दिया, हम शिव की आराधना करते पर शिव का दर्शन नहीं हुआ। नंदी ने पूछा, नंदी मोहन
वीरमणि बोले जा रहे हैं, नंदी नहीं बोले। नंदी तो तेज प्रकाश, उनके चेहरे का पुंज इतना तीव्र था, इतना तीव्र। कभी कभी होता है, एक पत्र देखिए, मैं ज्योति चंद्रा पति हरीश चंद्रा पता जेजेपुरी जिला शक्ति छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। ज्योति चंद्रा पति हरीश चंद्रा पता जेजेपुरी जिला शक्ति छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ बच्चा आया है साथ में? हाँ लिया लिया लिया। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव। 11 साल से हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो। हमने सबको जांच कराई, पर हमारे यहाँ संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था, औलाद नहीं हो। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि वो शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुन। हम पति पत्नी ने आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर आपकी पहली बार कथा सुनी और बाबा से यही मांगा कि हमारे घर में संतान हो जाए। पशुपतिनाथ का व्रत किया पर मेरे घर में औलाद नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हमने पशुपति व्रत कर लिया पर औलाद नहीं। तब डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, अब करे तो करे क्या। आखिरी में हमने विचार कर लिया कि अब व्रत भी नहीं करेंगे, कुछ ना करें। मैं शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई और जल चढ़ाते समय एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल था, वो स्त्री मुझसे कहती है कि तूने कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ नहीं बांधी, एक बार फिर पशुपति व्रत कर और सफेद आंकड़े की जड़ बांध। उस स्त्री ने मुझे बेलपत्र चढ़ाने का नियम बताया और मैंने वैसा की वैसा ही किया, पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहां 11 साल बाद औलाद ने जन्म। अब ये कथा जो चल रही थी वो कथा चल रही है आपके चेहरे के तेज पुंज पर, और वो बात इस पत्र में है, वो बात इस पत्र में लिखी। तीन बार व्रत करने के बाद भी औलाद नहीं हुई। आखिरी में सोच लिया कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, परंतु आखिरी में सोचा कि शिव जी को जल तो चढ़ाना चाहिए। मंदिर गई, एक सुंदर सी स्त्री सामने आई और उसने कहा सफेद आंकड़े की जड़ बांधना रह गई है, वो तू बांध। ध्यान देना, नंदी को लगा क्या मुझे ये पहचान गए, नंदी को लगा क्या ये मुझे पहचान गए, क्या मुझे ये जान गए। महाराज कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल हार कर परास्त होकर एकदम जब हम नीचे की ओर आते हैं, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया होता है, शंकर की आराधना करी होती है, तुम्हारे मन में जो विश्वास प्रबल हुआ होता है, वो विश्वास तुम्हारे सामने किसी ना किसी के रूप में सम्मुख में आकर खड़ा होता है और वो कह देता है अभी हिम्मत मत हार, तेरे साथ शिव खड़ा। तो ये हिम्मत नहीं हारना, अभी तेरे साथ में शंकर है, तेरे साथ में उघड़दानी है, तेरे साथ में शंभु है। क्यों हार, क्यों? नंदी को लगा कि अब मुझे पहचान गया, नंदी नहीं बोले। वीरमणि राजा कहते हैं कि मैं शंकर का उपासक हूं, मेरा बेटा रुक्मंगद भी शंकर का उपासक है, पर हमने आज तक शिव का दर्शन नहीं किया, पर हमारा विश्वास कहता है, आपके चेहरे का तेज कहता है, आपका मुख देखकर लगता है कि अब हमें शिव जरूर मिलेगा। और कोई शंकर का भक्त संसार में ऐसा आता है कि आपको सही मार्ग बताकर शिव से जोड़कर चला जाता है और शिव आपकी झोली भर देते हैं। कोई शिव का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई शिव को भजने वाला, कोई एक संसार में ऐसा आ जाता है, उसकी चमक उसका चेहरा बता दे, वो कह दे शिव की आराधना है। और वो याद रखना, हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली तुम्हारी आंटी हो, तुम्हारे परिवार की कोई माँ हो, पिता हो, कोई भाई हो, कोई बंधु हो, कोई सखा हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई दूसरा हो, वो भी मार्ग बता रहा है।
वो भी मारता। वो भी मार्ग बता दे, वो भी कर। ग्यारह साल के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। जरूरी नहीं कि कोई आएगा तो वो बताएगा, आपके पास में रहने वाली कोई माँ, आपके नजदीक में रहने वाला कोई, आपके मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, कोई कुटुंबी हो, वो भी आकर कह देते हैं कि तू शिव की आराधना कर। समझ लो शंकर ने उसको अपना गण के रूप में भेजा, शिव ने उसको अपने गण के रूप में भेजा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी। कोई मिले सावन के महीने में एक नियम अच्छा बनाओ, बहुत जोरदार नियम बनाओ। कौन सा नियम बनाओ? सबको कह दो अपने घर में आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट 20 मिनट शिव की बात करो। नियम कौन सा बनाना है जम के बोलो? अपने घर में कम से कम आधा घंटा किसकी बात करो? जम जम के बोलो जरा, शिव की बात करो। और अगर कोई घर में शिव की बात ना करे तो अपने आप में नियम बना लो कि शिव से बात करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दो क्षण बैठकर उससे नियम बनाओ, सावन के महीने में मैं आधा घंटा रोज शिव की बात करूंगी। केवल मैंने शिव पुराण सुनी है, पर मैं जो मेरे से मिलने आएगा पहले मैं उससे पूछूंगी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? बढ़िया, आनंद में कथा सुनते हो? हमने कथा में वीरमणि का चरित्र सुना था, हमने अशोक सुंदरी का चरित्र सुना था, हमने ब्रह्मा जी का चरित्र सुना था, हमने बेलपत्री की महत्वता सुनी थी। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट हम भगवान शंकर को अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर उस परमात्मा को दें। सबसे कीमत वाला क्या है दुनिया में? सबसे कीमती क्या? जम के बोलो, समय। दुनिया में सबसे कीमती होता है समय। सोना गया वापिस आ जाएगा, घर गया वापिस आ जाएगा, दौलत गई वापिस आ जाएगी, पर समय गया वापिस नहीं। दुनिया का सबसे कीमती है समय। और भगवान को चाहिए क्या तुमसे? समय चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब व्यक्ति बीमार होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तब घर के लोग रोते रोते भगवान से कहते हैं थोड़ा समय और दे दो, बच्चे छोटे हैं इसके, कहाँ जाएगा बेचारे को, थोड़ा समय और दे दो। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय दे दो, डॉक्टर साहब ऐसा कर दो ना थोड़ा और जी जाए, थोड़ा समय दे दो। पर भगवान भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, इसने अगर देवाधिदेव महादेव को समय दिया होगा तो महादेव अपने खाते में से इसको समय दिया। समय चाहिए, अंत समय। वो फिर लाइन फिर से गुनगुनाओ, सब बोलो, अंत समय प्रभु और वचन दिया। ऐसे लेन तो निकले, दोनों चुप हो जाओ, एलेन की आवाज मेरे तक आना चाहिए। फिर से बोलो जरा, अंत आय अंत समय जोरदार, बहुत बढ़िया। बारे भिलाई वालों गजब की आवाज पाई, बहुत जोरदार। बस ऐसी
शंकर की कथा में आना मतलब शंकर की भक्ति में डूबना, संकोच नहीं करना कि बाजू वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, पड़ोसन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो नहीं बोले ना तो अपना पांव थोड़ा दम के अंत समय और अब गाओ शिव तत्व, इसी को कहते हैं एक अविरल भक्ति, हमें हमें शिव से जोड़ ले, एक अविरल भक्ति हमें शंकर से जोड़ ले। और तू ही आना रे भोलेना, मने लेने तू ही आना, कोई दूसरा नहीं आए, कोई नहीं, कोई नहीं, अंत समय में वो की कथा करे। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बीनमणि राजा ने तानपुरे की आवाज, ये तानपुरा की जो आवाज आ रही है ना, बीनमणि राजा नंदीश्वर के चेहरे को देख, उनको नहीं मालूम कि ये नंदीश्वर, उन्हें तो बस केवल देखा, उन्होंने तो केवल देखा और देखते से ही कह दिया कि प्रभु बस हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, पर आज तक हमें शिव का दर्शन नहीं। सावन के महीने में शिव की बात करो या शिव से बात करो, कुछ ऐसा नियम अपनी जिंदगी में बनाया जाए कि हम भगवान शंकर से बात करें या शिव की बात करें। हमें शिव नहीं मिले, हमें शंकर नहीं, किसी ना किसी रूप में शंकर का दर्शन जरूर होता है। एक पत्र है देखो, नीलिमा मनीष छिंदालोरे सेक्टर 6 भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, कहीं बैठी हैं क्या, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं और मेरे पति धमतरी पुरुत की कथा में आखिरी दिन कथा सुनने के लिए गए, और आखिरी दिन जब हम कथा सुनने के लिए वहां पर गए तो जल्दी जल्दी में हमारी कार की चाबी कार के अंदर ही लगी रह गई और हम कथा में जाकर बैठ गए और गेट बंद हो गया। हमारे स्मरण में भी नहीं रहा कि कथा पत्र जिनने लिखा वो बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेल पत्र ले जाना जाओ। हमारी कार की चाबी अंदर ही रह गई और हम सब कथा सुनने के लिए बैठ गए। धमतरी कुरुत की कथा में हम लोग गए थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी, एक साइड में जाकर हमने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद हम जब वापिस आए, पति ने अपनी जेब में चाबी देखी तो चाबी नहीं थी, हमने अपने पर्स में चाबी देखी तो चाबी नहीं थी, बड़े घबरा गए। तब जाकर देखा कि गाड़ी के अंदर चाबी लगी हुई है और गाड़ी के चारों दरवाजे बंद पड़े हैं। दरवाजों को हम लोगों ने खोल कर देखा पर खुलता नहीं, अब करें तो करें क्या। गुरुदेव शायद दुनिया के लोग हम पर हंसे इस बात को सुनकर, उसी समय पर चारों दरवाजों को खींच कर देखा पर कोई दरवाजा खुलता नहीं था, चाबी अंदर लगी हुई थी। हम भी भोलेनाथ जी से जहां पंडाल बना था वहीं पर जाकर प्रार्थना करी, गाड़ी के पास फिर आ गए और आकर हाथ जोड़कर बोले, भोले तेरे भरोसे पर तुम कथा सुनने आए, तेरे सहारे तो हम कथा सुनने के लिए आए हैं, और कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा मिल भी नहीं रहा कि दरवाजा खोल दे या दरवाजा खोल कर चाबी निकाल दे, अब क्या करें। हमने गाड़ी के पास में बैठे और दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शंकर जी से प्रार्थना करी। थोड़ी देर में एक बच्चा आता है दौड़ता हुआ और आवाज लगा कर कहता है, आंटी आपकी आगे का दरवाजा खुला है, उसको खींचो खुल जाएगा। और हमने जैसे ही आगे का दरवाजा खोला और वो दरवाजा खुल गया और हम गाड़ी लेकर आ गए, वो बच्चा कहाँ गया हमको पता नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव 2 मिनट के लिए आया था और आकर मार्ग बताकर चले गए। शिव एक अविरल भक्त है। शंकर एक विश्वास, गला खींच रहा है, उसको खींच कर बोलना पड़ रहा है, वो देखिए शंकर
अविरल भक्ति है, एक विश्वास है शिव। शिव एक अविरल भक्ति, शिव एक विश्वास है, शिव एक भरोसा है, शिव एक दृढ़ता है। आप जिस भाव से उसको भजते हो वो उस भाव से मिलता चले जाता। नंदी को पहचाने नहीं थे वीरमणि, वीरमणि ने नंदी को नहीं पहचाना और हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आज तक शंकर को देखा नहीं है, शिव से मिला नहीं, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो गरीबों के दिल में तुम जगह नहीं पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक बात आपसे कहें, अगर मेरा भोलेनाथ नहीं सुनता ना तो ये भिलाई में पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, और जितने लाखों में भक्त आज बैठे हैं ऐसे भिलाई में लाखों में भक्त प्रत्येक कथा में बैठे मिले हैं। जरा विचार करिए, शक्कर में मिठास नहीं होती तो चींटी नहीं आती, गुड़ में मिठास नहीं होती तो मक्खी नहीं आती। शिव अगर अपना भंडार खोल कर लुटाते नहीं तुमको तो तुम भी शिव महापुराण में इतनी बारिश में आते नहीं। पता उसने दिया तब आप आए, उसने दिया तो आप आए। बोलबम का नारा है बाबा है, उसने दिया तो आप आए, उसने प्रदान किया तो आप आए। वीरमणि कहते हैं कि मैंने शिव को नहीं देखा, मैंने शंकर को नहीं देखा। नंदी के रूप बदलने पर नंदी के चेहरे का तेज देखकर बोल दिया था कि हम नहीं मिले शिव से। कई सालों से हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कई सालों से। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन निकल गया शिव जी को मनाते मनाते, पर आज के जमाने में ना जाने ऐसा क्या हो गया कि लोग शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, शंकर जी सुन लेते हैं। इतने सारे लोगों के झोली भगवान ने गोदी भर दी, किसी के 24 साल, किसी के 20 साल, किसी के 11 साल, किसी के 15 साल। जब डॉक्टर मना कर दिया तो इतनी ये औलाद हो ही नहीं सकती, तो फिर कैसे हो गई? अभी अभी आपने सीहोर की आखिरी दिन की कथा तो तुम लोगों ने देखी नहीं होगी शायद, देखिए देखिए आप लोगों ने सीहोर की आखिरी दिन की कथा। एक पत्र आया था बच्चों का, दूसरा पत्र आया था बच्चों का, तीसरा पत्र आया था बच्चों का। हम कितने पत्र पढ़ते थे, हमने कह दिया जितने बच्चे वाली माताएं जिनको बाबा ने दिया इधर खड़े हो जाओ, और मालूम पड़े इतने खड़े हो गए, इतने खड़े हो गए, आखिरी में व्यासपीठ से कहना पड़ा मैं बैठ जाओ वापिस बुलाएंगे बाद में तुम। और उस पत्र के बाद हमारे कमरे में दूसरा पत्र भेज दिया, गुरुजी आपने बच्चों वालों को खड़ा कर, अब जिनके मकान नहीं थे किराए के मकान में रहते थे बाबा ने उनको मकान दिया, उनको भी तो खड़ा करना था तुमको। शिव कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती आप नहीं भजते। अगर नहीं सुनता तो कौन कहता? एक पति को गुस्सा आ गया अपनी पत्नी पे, बहुत गुस्सा आया। पत्नी ने पूछा तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? पति बोला कोई भी सामान मंगाना रहता है तो दूसरे से बोल देती है, मुझसे क्यों नहीं बोलती? कोई भी सामान मंगाना है तो दूसरे से कहती है, मुझसे क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा 18 साल शादी के हो गए, 18 साल से मैं तुमसे जो बोलती हूं तुम मेरी बात को मानते नहीं हो, इस कान से सुना इस कान से निकाल देते हो, बच्चों की किताब लाने का बोलो तो नहीं लाते, फीस जमा करने का बोलो तो नहीं जाते, स्कूल जाने का बोलो तो नहीं जाते, ये काम का बोलो तो नहीं करते, वो काम का नहीं बोलो तो नहीं करते, तो फिर आखिरी में किसी से तो कहना पड़ेगा कि ये काम कर दो भैया, हमारा बच्चों के स्कूल तक चले जाओ भैया, ट्यूशन की फीस जमा कराओ भैया, उन बच्चों को स्कूल तक पहुँचा दो भैया, किसी से तो कहना पड़ेगा।
तू दूसरे से कहती मेरे से क्यों नहीं कहती? पत्नी ने कहा तुम सुनते हो पर करते नहीं, तुम सुनते हो पर लाकर देते नहीं, इसलिए मैंने दूसरे से कहना प्रारंभ करा। बस यही शिव पुराण बता रही है, यही। पहले हम सबसे कहते थे बाबा झोली खाली है भर दो, कहीं से नारियल, कहीं से बेल, कहीं से भभूति, कहीं से कुछ, कहीं से दाना, कहीं से कुछ, सारी दुनिया पर हाथ पैर जोड़ जोड़ कर देख लिया पर आखिरी तक नहीं दिया। तब हमने फिर हमारे महादेव से कहना प्रारंभ किया, उसने देना प्रारंभ किया। अब आज दुनिया के लोगों को बुरा लग रहा है, आखिर ये सब शंकर जी की ओर कैसे मुड़ते चले जा रहे हैं, जो पहले हमारे थे अब शिव के कैसे होते चले जा रहे हैं, जिसको देखो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब दुनिया के लोगों को टेंशन हो गया, सारे के सारे एकदम कैसे शंकर जी की ओर मुड़ गए, शंकर जी शंकर जी, सपने में शंकर जी दिखे, खाता शंकर जी दिखे, पीता शंकर जी दिखे, अब तो ऐसा लगता है कि बहुत देर से इंतजार कर रही थी और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला इतनी देर में ऑटो आ गया, तो ऐसा लगता शंकर जी लेने आ गया, हर चीज में शंकर जी दिखता। पहले भटक लिए, अब तो हर चीज में, हर एक में वही रब वही शिव नजर आ रहा है। तो दुनिया के लोगों को ईर्ष्या होने लगी, हमने इतने दिन की फील्डिंग जमाई थी, हमने इतने दिन तक पिच जमाई थी, और मालूम पड़े ये शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शिव 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 शिव। कहा इतना कितना एक भरो एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि उसके बच्चे, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके बच्चे की किडनी भी खराब है, इसका चेहरा भी खराब है, वो मां कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाने। कहीं बैठी है क्या? दिख गई? आ जाओ आ जाओ, तो हम पत्र ना ढूंढेंगे, आ जाओ। डॉक्टर ने कह दिया इनके बच्चे को इसकी किडनी सड़ चुकी है, जब बच्चा 4 महीने 5 महीने का था, 5 या 6 महीने का पत्र में लिखा है, किडनी बच्चे की है ही नहीं, सड़ गई। उस किडनी के कारण बच्चे की दूसरी किडनी काली पड़ गई, बच्चे का चेहरा नहीं बना, बच्चे के हाथ पैर सब नहीं बने, बच्चे का पूरा शरीर में फुंसी फोड़े और मवाद भरा हुआ है, सोनोग्राफी में आ गया। 5वां महीना 6ठा महीना निकला, वो बेटी जो उस बच्चे को लेकर आई है, वो उसका पत्र ढूंढू मैं तो, वो बच्ची हाँ ये रहा, मेरा नाम रीता सोनवानी, पति भूपेन सोनवानी, मैं जलेबी चौक कैंप 1 पावर हाउस निवासी हूं। बच्चा गर्भ में 6 महीने का था और डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर बोल दिया कि बच्चे की किडनी सड़ रही है, एक किडनी बच्चे की बेकार हो चुकी है, दूसरी किडनी के कारण किडनी काली पड़ चुकी है, बच्चे का चेहरा नहीं बना है, बच्चे का पांव हाथ नहीं बना है, बच्चे के शरीर पर फुंसी फोड़े हैं और पूरा शरीर का बच्चा जो तुम्हारे गर्भ में है वो बच्चा एकदम सूजन में बताया गया और बच्चा पूरा बेकार है। 6ठे महीने की सोनोग्राफी में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकलवा दो, ये बच्चा जन्म देने के लायक नहीं, क्या करा जाए। 6ठा महीना था, घर के लोगों ने कहा चिंता नहीं करना, बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने संतान दी है और वो भी संतान ऐसी हो गई, अब क्या करें। तभी हमारे पड़ोस के लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, कोई जाके सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ, परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते शिव जी को चढ़ाते और पीना चालू करा, इसलिए पीते कि गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर ने तो 6ठे महीने में कह दिया इस बच्चे को बाहर निकाल दो, ये बच्चा बेकार है, सड़ा हुआ है, इस बच्चे का चेहरा नहीं, इस बच्चे का हाथ पैर नहीं, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल। पर
पत्नी ने कहा नहीं मैं सियोर वाला महाराज की कथा सुनती हूँ, 9 महीना इस बच्चे को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। महाराज शायद दुनिया का पहला केस होगा जो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया। 9 महीने के बाद 17 जुलाई 2024 को, कितनी जुलाई जम के बोलो जरा, 17 जुलाई, आज कितनी जुलाई है, कितने दिन पहले की घटना है, 17 जुलाई 2024 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, किडनी भी काम कर रही है, चेहरा भी बना है, हाथ पैर भी बने और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। लिया डॉक्टर कह रहा है इसकी किडनियां काम कर रही है, शरीर पूरा स्वस्थ है, सोमवार के दिन हुआ है 17 जुलाई को और शिवाय नाम रखा है इसका, श्री शिवाय। अब तो खुश हो जा, रो नहीं बेटा, अब तो बाबा दे दिया। रोते नहीं, अब खुश खुश जाओ, बाबा दिया ना। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। एक विश्वास अपने अंदर, शिव क्या करेगा, शंकर कैसे देगा, करुणा नहीं करता तो शायद कोई ना। आज दुनिया के लोगों को चिंता खाए जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था पर शिव पुराण ने शिव युग कर दिया, कलयुग चल रहा था शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा पता नहीं। वीरमणि राजा ने हाथ जोड़कर कहा मुझे शिव नहीं मिल रहे, कृपा करिए। नंदीश्वर को पहचाने नहीं थे, बच्चे चेहरे का तेज देखकर कह दिया था कि आप कुछ कृपा करिए। नंदीश्वर ने कृपा कर दी और कहा राजन अभी तक तुमने सावन के महीना, तुम्हारी पूजन के मध्य में तो आया पर श्रावण के मध्य में जो शिवरात्रि आती है, तुम उस शिवरात्रि पर संध्या बेला में प्रदोष काल में रात्रि के समय पर प्रथम पहर की पूजन नहीं करते, प्रथम पहर नहीं पूज पाए। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में आस्था चैनल के माध्यम से जितने देश कथा सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है सावन के महीने की जो शिवरात्रि आती है और रात्रि के समय पर प्रथम पहर में शाम के समय पर जो हम पूजन ऑनलाइन सब बैठ कर करते हैं, दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी से मात्र में कर लेते हैं, तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी भर की आनंद का हो जाता है। जब सावन के महीने की शिवरात्रि 2 अगस्त को आएगी, जरा कथा सुनिए, 2 अगस्त को जब शिवरात्रि आए, 7 बजे शाम को पूजन होगी, शाम 7 टीवी पर ऑनलाइन, आपके पड़ोस के लोग भी अगर पूजन ना करें तो पहले उनको समझाओ कि देखिए ये पूजन का क्या महत्व, उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानिए। पिछले वर्ष लगभग शिव तक नंदी ने कहा
तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना करी, शिव नहीं मिले, तो तुम एक काम करो, श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने में शिवरात्रि का दिन हो, रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस समय पर रात्रि के पहर की पहली पूजन करो, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति। क्या शिव मिलेंगे? वीरमणि राजा कह रहे हैं, क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? क्यों नहीं? इनको नहीं मालूम कि किससे पूछा गया। इनको तो लग रहा है कोई पुरुष है, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि वो नंदी है। शिव की आराधना करवाने वाला, शंकर की भक्ति करवाने वाला, शंकर का भजन करने वाला, चाहे आप हो चाहे संसार का कोई मनुष्य हो, अगर शंकर की आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हो, शंकर भगवान के पूर्व में कोई गण रहे होंगे, इसलिए पृथ्वी पर बाबा ने आपको भेज दिया है शिव भक्ति। शिव भक्ति। अब आज वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुक्मंगत को बुलाया और रुक्मंगत को बुलाकर कहा कि सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए, सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। बैठ गए, संध्या काल, प्रदोष का समय, प्रथम पहर हो रहा था रात्रि का, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया और रुक्मंगत और पिता वीरमणि ने दोनों ने शिव की आराधना करी। बस एक लोटा जल वीरमणि और रुक्मंगत ने जैसे पार्थिव पर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ करा, इतनी देर में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। शंभू प्रकट हो गए। जैसे आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे। ये देखो इधर से हाथ हिला रही है, और जी जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे, तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो, तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता है। एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा, दवाई पियो। माँ कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहाँ शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी, पोलियो की दवाई नहीं पियोगे हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे, इसलिए सुनो। धारण साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहां वीरमणि और रुक्मंगत दोनों ने शंकर की आराधना, शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट शिव प्रकट। वीरमणि ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा बड़ी सुंदर स्वरूप, और तेरी जटा बड़ी प्यारी, बड़े सुंदर स्वरूप, बड़ा
सुंदर स्वरूप भगवान शिव का, इतना सुंदर स्वरूप देखते ही आनंद पा रहे, देखते ही सुंदर, देखते ही आनंद का सम्मुख में है। वीरमणि ने पूछ लिया, बाबा भोलेनाथ से, तेरी जटा बड़ी प्यारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी, ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी, ओ भोले भंडारी, अरे तेरी जटा बड़ी प्यारी, ओ भोले भंडारी। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओगड़दानी का संवाद करा है, शिव तत्व कर, शिव जी का दर्शन हुआ, विनय करा, निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करी, बड़ा सुंदर स्वरूप है शिव का, बड़ा सुंदर स्वरूप है शंकर। शिव जी ने कहा, वीरमणि मांगो, तुमको क्या चाहिए? रुक्मंगद मांगो, तुमको क्या चाहिए? राजा वीरमणि शिव जी से जो मांगे हैं, शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांगा। आज का व्यक्ति स्वयं का भला हो, स्वयं का विकास हो, स्वयं का उन्नति हो। दो राजा ऐसे हैं जिनके सामने शंकर जी प्रकट हुए थे, बाणासुर और वीर, वो बाणासुर के सामने आए थे, दो राजा ऐसे हुए बाणासुर के सामने, हजारों हाथ मांग लिया, हजारों, स्वयं के लिए मांगा, राज्य के लिए नहीं, नगर के लिए। एक है वीरमणि, देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुमको क्या चाहिए, तब देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने कहा, भोलेनाथ जी इतनी कृपा करना, हमारी रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, और मेरा पूरा जो राज्य है, मेरा पूरा राज्य, इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है, इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है, इसकी रक्षा तुम्हें करना है। जब जब हमारे राज्य पर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मेरा शिव सामने आए, बस इतनी सी कृपा। शिवरात्रि के दिन जब आप पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का, तो आपको भी यही मांगना है, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे राज्य पर, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र पर जब दुख आए, तो हे भोलेनाथ आप सामने आकर खड़े हो जाना और सबको बचा लो। सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब सुखी, ठीक है। शिव जी ने वर दे दिया, वीरमणि तुम्हारे राज्य पर जब तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा, तेरे परिवार पर तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा। समय आया, भगवान राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ करा, अश्वमेघ यज्ञ का अश्व छोड़ दिया, अश्वमेघ यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, अश्वमेघ यज्ञ का अश्व जब छूटा, डीले कम करो, अश्वमेघ यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, वो अश्व, अश्वमेघ यज्ञ का अश्व घूमते घूमते देवपुर नगर में पहुंच गया, और देवपुर नगर में जैसे ही पहुंचा, तो राजा वीरमणि के बेटे रुक्मंगद ने उस अश्व को पकड़कर बंदी बना लिया। सूचना मिली शत्रुघ्न जी को, शत्रुघ्न जी भगवान राम जी के भाई शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल, ये दोनों उस घोड़े के पीछे चल रहे थे। सूचना मिली कि अश्वमेघ यज्ञ का अश्व बंदी बना लिया, क्रोध आ गया। अवध के राजा, अवध में राज्य करने वाले शत्रुघ्न जी को और उनके भतीजे पुष्कल जी को क्रोध आ गया, भरत जी के बेटे, युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ देवपुर वासी हैं, रुक्मंगद है, वीरमणि है, दूसरी तरफ भगवान राम के भाई छोटे शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल है। युद्ध प्रारंभ, आखिरी में युद्ध करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि शत्रुघ्न जी
बंदी बन गए और भरत जी का बेटा पुष्कल, शत्रुघ्न जी का भतीजा, राम जी का भतीजा पुष्कल मारा गया, प्राण छूट गए। घोड़ा भी बंदी है, शत्रुघ्न जी भी बंदी हैं। हनुमान जी को सूचना मिली कि अश्वमेघ यज्ञ का अश्व पकड़ा गया है और वो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व छूटता नहीं है। देवपुर नगर के कोई बालक ने, रुक्मंगद ने उसको पकड़ लिया है। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने जो देखा, हनुमान जी ने देखा कि यहां शत्रुघ्न जी बंदी पड़े, पुष्कल मर चुका, भरत जी का पुत्र मर चुका। युद्ध पर युद्ध प्रारंभ हुआ, रुक्मंगद और हनुमान जी का युद्ध प्रारंभ हो गया, वीरमणि और हनुमान का युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी जान गए इस देवपुर नगर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस देवपुर नगर में कोई मर नहीं रहा, किसी के प्राण नहीं छूट रहे और सारी सेना अवध की मारी जा रही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी की राम जी को याद किया, उनको पुकारा, प्रभु पधारो, ये अश्वमेघ यज्ञ के अश्व का जो युद्ध हो रहा है यह साधारण युद्ध नहीं है, पधारो। भगवान राम उसी समय पर प्रकट हुए, सेना को लेकर, अवधपुर की सारी बड़ी सेना को लेकर भगवान राम आ गए और युद्ध में शामिल हो गए। जैसे युद्ध में शामिल हुए, इधर राम जी थे तो वीरमणि ने तो कुछ भी नहीं करा, वीरमणि को तो वचन दिया था भोलेनाथ जी ने कि राज्य की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है, केवल एक दिन सावन के महीने की शिवरात्रि की ऐसी पूजन कर ली कि शंकर भगवान ने पूरे राज्य की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। एक आराधना, एक शिव स्तुति इतनी प्रबल थी। इधर शंकर भगवान, वीरमणि ने नहीं कहा कि आपको आना है, क्योंकि शंकर जी ने वचन दिया था आप भले भूल जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आप भले भूल जाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा कर आप भले भूल जाओ, शंकर जी के मंदिर जाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी की कथा सुनकर आप भले भूल जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पूरी कथा याद रहती होगी। शिव जी की कथा सुनी भूल गए, शंकर के मंदिर गए भूल गए, बेलपत्र चढ़ाई भूल गए, झाड़ू पोछा करा भूल गए, तुम भले भूल जाओ पर मेरे शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल को कभी नहीं भूलते, मरते दम तक मेरा शंभु तुम्हारा साथ देता है, मरते दम तक आखिरी श्वास तक मेरा शंकर तुम्हारा साथ। सूचना मिल गई, करा क्या जाए, शिव जी युद्ध करने के लिए आ गए, वीरमणि को नहीं मालूम कि शंकर आए। इधर राम जी इधर शंकर भगवान, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो रहा था। राम जी के इष्ट हैं शिव और शिव के इष्ट हैं राम। राम जी के इष्ट हैं शंकर भगवान, शंकर जी के इष्ट हैं राम। पर एक शिवरात्रि का वर दे दिया तो फिर सम्मुख में राम जी से भी युद्ध हो रहा। राम जी ने विचार करा कि शंकर भगवान को तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। राम जी ने विचार करा सामने शिव हैं, इनको कैसे मारूं, कैसे परास्त करूं, बाणों पर बाण चल रहे थे, आखिरी में कोई बाण शंकर भगवान को नहीं छू सका। तब राम जी को याद आया जिस समय मैंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, शंकर जी से वर मांगा था कि मुझे एक अस्त्र दिया जाए जिस अस्त्र से मैं दुनिया के किसी भी असुर का किसी को भी संहार कर सकूं, ऐसा अस्त्र दिया जाए। शंकर भगवान ने अपना पाशुपत्य अस्त्र मुझे दिया था। राम जी को याद आया पाशुपत्य अस्त्र मेरे पास में है, शंकर भगवान ने कहा था ये वो अस्त्र है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। राम जी ने विचार करा कि अब वो अस्त्र मुझे चलाना है। राम जी ने पाशुपत्य अस्त्र उठाया, शंकर भगवान को याद किया, बाबा मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, तेरा तुझको अर्पण। अब दुनिया के लोगों के सामने भले ये अस्त्र होगा पर मेरे शंभु मेरे लिए तो केवल तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए पुष्प है। छोड़ दिया पाशुपत्य अस्त्र, शंकर का दिया गया अस्त्र शंकर के शरीर में समा गया। शिव प्रसन्न हो गए, राम जी से कह दिया क्या चाहिए, क्या चाहिए मांगो। राम जी कहते हैं भरत का पुत्र पुष्कल मर गया है, आपका नाम कालाधिपति महाकाल है, काल की घड़ी को वापस घुमाइए और जीवित कर दीजिए, जीवित कर। भरत जी के पुत्र पुष्कल को वापस जीवित करा, शत्रुघ्न को छुड़ाया। पूछा राम जी ने ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो मैं नहीं कर पाया, ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो हम नहीं कर पाए, जो आपने वीरमणि के नगर की रक्षा करी, राज्य की रक्षा करी। शंकर भगवान ने कह दिया इसने शिवरात्रि स्मरण किया है, सावन की शिवरात्रि का 7 बजे पूजन होगा, आप और हम सब टीवी के सामने बैठे रहें, कथा हम तो उस समय पर कथा में रहेंगे यहाँ अपने, 2 तारीख से
2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में कथा चलेगी। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक लोरमी बिलासपुर रोड गायत्री मंदिर के पीछे लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, और 2 तारीख से शिवरात्रि के दिन से चालू हो रही है। किस्मत वाले हैं पूरे छत्तीसगढ़ वाले, भाग्यशाली। और शाम को 7 बजे लोरमी से ही लाइव भगवान शिव की अभिषेक होगा। राम जी कह रहे हैं ये कौन सा क्या है, इस वीरमणि के पास, वीरमणि के पास केवल एक ही चीज का बल था, शंकर की सावन महीने की शिवरात्रि का जो बल है उसके बराबर कोई बल नहीं। सारी दुनिया हंसती है, कई कई लोग तो दिन भर कमेंट्स करते रहते हैं क्या होगा, कई लोग कमेंट्स करते हैं विसर्जन मत करो, कोई कमेंट्स करेगा ये मत करो, कोई कहेगा कि चावल मत चढ़ाओ, कोई कहेगा गेहूं मत चढ़ाओ, कोई कहेगा काली मिर्ची मत चढ़ाओ। पूरे दुनिया के लोग कमेंट्स करते रहेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से, भगवान भी चाहता है कि आप अभिषेक ना करें, भगवान भी चाहता है कि आप अभिषेक ना करें, क्योंकि आप अभिषेक नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ा सा हल्के कि इनको अपन को देना नहीं पड़ेगा। परंतु कितना ही कोई कमेंट्स करे, कोई कितना ही फेसबुक पे कुछ भी चलाए, आपको पक्का होना है और शाम को 7 बजे 2 तारीख को अभिषेक के लिए बैठना, कोई कितना ही करे, शिव अभिषेक में लगना। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने सुंदर सृष्टि की रचना करी है, भाव से ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, सुंदर आनंदमय प्रसंगों का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर महा